अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी खबर आ रही है कि मदनपुर खादर एक्सटेंशन में समोसा चौक पर झगड़ा हो गया, जैतपुर में झगड़ा हो गया, ओखला में झगड़ा हो गया। ये सब अफवाह है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरी तमाम लोगों से बात हुई है, वहाँ सीनियर अफसरान मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं, एसीपी मौजूद हैं। आप अफवाहों से बचे। अगर कोई आदमी आपको ये खबर देता है कि वहां झगड़ा हो गया, तो आप उससे वीडियो मांगिए, एविडेंस मांगिए, वो नहीं दिखाएगा। आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप अगर ओखला जैसी जगह में भी अफवाहों के सहारे डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? हिम्मत से डटिए, मुकाबला करिए डर का, मुकाबला करिए अमन का। आप क्या डर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब जगह नजरें बिछाए बैठा हूं, जैतपुर में खुद होकर आया, समोसा चौक पे अभी मैंने बात की। डरने की जरूरत नहीं है, अफवाह की जरूरत नहीं है, अफवाह से बचिए। लोग सड़कों पे भाग रहे हैं, लोग इधर दौड़ रहे हैं, अफवाह से ही तो झगड़ा बढ़ता है। अफवाह होती है, लोग जमा होते हैं, फिर दूसरी कम्युनिटी के भी लोग जमा होते हैं। तो आप लोग किसी से अगर कोई अफवाह फैलाता है, कोई खबर देता है या फोन देता है, फोन करता है, तो आप उससे एविडेंस मारिए कि वीडियो बनाकर हमें भेज दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। सब अफवाह है, किसी किस्म का कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप लोग मुतमईन रहिए, इत्मीनान से रहिए, आप लोग यकीन करिए कि हम लोग पूरी तरह से जागे हुए हैं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, हम साथ खड़े हैं। शुक्रिया। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।